खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, आपको देना जरूरी है। यह खबर मुंबई से आ रही है। दरअसल मुंबई के बांद्रा इलाके में एमटीएनएल की बिल्डिंग है और इसी एमटीएनएल की बिल्डिंग में आग लग गई है। भीषण आग लगी हुई है इस वक्त मुंबई में एमटीएनएल की बिल्डिंग में। ये तस्वीरें आपके सामने, आप देख रहे हैं किस तरीके से धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है जिसमें घिरी हुई ये बिल्डिंग। और ये वो लोग हैं जो ऊपर एमटीएनएल की इस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं, बाहर की तरफ खड़े हुए इंतजार में कि जल्दी से उन तक राहत पहुंचे, किसी तरीके से उन्हें नीचे उतारा जाए। शुरुआती जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। अब आप देखिए किस तरीके से ये ऊंची इमारत है, कई मंजिला ये बिल्डिंग, और जो इसका टॉप फ्लोर है वहां पर आपने देखा था अभी जो लोग फंसे हुए खड़े हुए हैं राहत के इंतजार में। हम सीधे रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, अपडेट दीजिए। रोमाना, अपडेट यह है कि इसे चार नंबर की कॉल घोषित की गई है। चार नंबर की कॉल घोषित करने का मतलब है कि एक भयावह आग है जिसमें कई जान इस समय रिस्क पर है, और वही हम तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं। एमटीएनएल बिल्डिंग के तीसरी और चौथी मंजिल पर शुरुआत में आग के धुएं निकले थे और देखते देखते ये धुआं और आग इतना बढ़ता गया कि अब लगभग इमारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस आग की चपेट में है और लोग जान बचाने के लिए अब ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। आपको बता दें कि जिस समय आग लगी उस समय इमारत में 150 लोग से अधिक मौजूद थे और अभी भी फायर ब्रिगेड का आधिकारिक एक बयान आया है कि 100 लोग उसमें काम कर रहे थे जो ऊपरी मंजिल पर है। उसमें बहुत से लोग छत पर पहुंचे हुए हैं और आप तस्वीरों के जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वो छत से इशारा कर रहे हैं। कुछ ने अपने हाथों पर रुमाल से मुंह ढक रखा है तो कुछ अपने बचाने का इशारा कर रहे हैं, कुछ मदद का इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक बार फिर से जो छोटी आग थी वो कुछ ही समय में बहुत ही भयानक आग में तब्दील हो गई। मृत्युंजय, ये जानकारी मिल पा रही है कि आग जो है वो किस मंजिल से लगना शुरू हुई और किस तरीके से फैल रही है, ऐसी कोई जानकारी? क्योंकि हम देख रहे हैं सबसे ऊपरी मंजिल है, ये वो लोग हैं जो बाहर की तरफ आकर खड़े हो गए हैं, एक छोटी सी टेरेस टाइप आप इसे कह सकते हैं, और यहां पर इंतजार में है कि जल्दी से जल्दी दमकल कर्मी उन तक पहुंचे और किसी तरीके से उनकी जान बचाई जा सके। मृत्युंजय जी बिल्कुल रोमाना, ये 9 मंजिला इमारत है और इसमें आग की शुरुआत तीसरी और चौथी मंजिल के बीच में से हुई थी। तीसरी मंजिल से आग की शुरुआत हुई थी जो चौथी और बाद में और बढ़ती चली गई, और इसलिए जो पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवीं ये ऊपर के जो फ्लोर पर काम करने वाले कर्मचारी थे और जो विजिट करने वाले बाहरी लोग थे वो सभी ऊपर की तरफ, छत की तरफ भागे हुए हैं। और आधिकारिक बयान ये है कि 100 से अधिक लोग जो है वो इस इमारत में फंसे हैं जो कि ऊपरी मंजिलों पर मदद की राह देख रहे हैं। तो कोशिश है कि जो आग की शुरुआत तीसरी चौथी मंजिल से हुई थी वहां से आग पर काबू पाने की कोशिश हो सके। 3:15 बजे के करीब आग लगी थी और इसे पहले लेवल 2 का कॉल, आमतौर पर जब ऐसी बिल्डिंगों में आग लगती है तो उसे लेवल 2 का कॉल किया, घोषित किया जाता है, लेकिन 4 बजते इसे लेवल 4 का, यानी कि लेवल 4 की आग बहुत भयावह आग मानी जाती है। इसमें जान जोखिम होती है, कई लोगों की जान रिस्क होती है, इसलिए इसे लेवल 4 का आग कहा जाता है। और ये आग जो है वो काफी फैली हुई है और आप देखिए पूरे परिसर में धुआं फैला हुआ है और आग जो है वो ऊपर की तरफ फैलती जा रही है। जो लोग दमकल की गाड़ियां क्या अभी तक मौके पर नहीं पहुंची हैं? इस वक्त का अपडेट दीजिए आप, क्योंकि आग की लपटें किस तरीके से अंदर उठती हुई नजर आ रही है इस इमारत की, वो आप देख सकते हैं जो बीच में खिड़कियां सी नजर आ रही है उसमें पीछे आप आग की लपटें देख पा रहे हैं। आग की बड़ी बड़ी लपटें उठती हुई, धुआं निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये कुल 9 मंजिला इमारत, जैसे कि मृत्युंजय ने हमें बताया, इसकी तीसरी मंजिल से आग लगना शुरू हुई, शॉर्ट सर्किट शुरुआती जानकारी में पता चल रहा है, शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी और देखते ही देखते तीसरी मंजिल से चौथी मंजिल तक आग फैल गई। वो कर्मचारी जो तीसरी चौथी मंजिल पर काम कर रहे थे जान बचाने के लिए, कुछ तो नीचे उतरने में सफल हो पाए, लेकिन बाकी जो हैं वो ऊपर की तरफ दौड़े और खासतौर से जो ऊपर की मंजिलों पर लोग थे वो तो वहीं फंसकर रह गए। और हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कुछ लोग जो छत पर खड़े हुए हैं कि किसी तरीके से राहत उन तक पहुंचे, उनकी जान बचे। मृत्युंजय, दमकल की कितनी गाड़ियां मौके पर इन लोगों को उतारने के लिए किस तरीके की कोशिशें हो रही हैं क्या देख पा रहे हैं आप, बताइए जी। बिल्कुल, आपको बता दें कि अग्निशमन, ये जो खुद आग की रिपोर्ट है, जो सबसे पहले सूचना है वो खुद अग्निशमन विभाग द्वारा ही रिपोर्ट की गई है। आपको बता दें कि जहां ये एमटीएनएल बिल्डिंग है जहां आग लगी उससे महज 10 कदम की दूरी पर एमटीएनएल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड का एक दफ्तर भी है,
तो जो लोकल फायर ब्रिगेड यूनिट है वो उसे मुश्किल से पहुंचने में कुछ ही मिनट का समय लगा और वो पहुंच गई थी। और इस समय 14 गाड़ियां हैं अग्निशमन विभाग की, जिसमें 6 वाटर जेट टैंकर लगाए गए हैं। और आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि पिछले हफ्ते मुंबई फायर ब्रिगेड में एक रोबोटिक फायर इंजन शामिल किया गया था, वो पहली बार इस आग में इस्तेमाल किया जा रहा है आग बुझाने के लिए। ये इसका उद्घाटन कुछ ही दिनों पहले युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ने किया था, उसे पहली बार किसी आग के घटना में इस्तेमाल किया जा रहा है और इस रोबोटिक फायर इंजन का इस्तेमाल आग बुझाने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि आधिकारिक जानकारी अभी मेरे पास आई है कि तीसरी, चौथी और पांचवी मंजिल पर आग फैला हुआ है और बाकी ऊपर के फ्लोर पे काफी ज्यादा धुआं है। इसके अलावा स्थानीय निर्मल नगर पुलिस, बैंड खेरवाड़ी पुलिस, इन स्थानीय 3 लोकल पुलिस की यूनिट वहां पर पहुंची है। लिफ्ट इसमें काफी लगे हुए थे, लिफ्ट आग लगने के साथ ही बंद कर दिया गया था। अभी जो आधिकारिक जानकारी आई है कि 40 लोगों का अनुमान है, अधिकतर लोग भाग गए थे, नीचे बाहर निकलने में कामयाब हुए थे। 40 लोग अभी है टेरिस पर, जो अभी ताजा जानकारी आ रही है कि 40 लोग टेरिस पर है। और यहाँ तक कि जो नजदीक में बगल की एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के छत पर लैडर लगाकर अब रेस्क्यू करने की कोशिश की जाएगी, ये ऐसी जानकारी मुझे मिली है। बगल का जो एक बिल्डिंग है उस पर लैडर लगाया जा रहा है, उस लैडर से वहां से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये कुछ शुरुआती जानकारी, ताजा जानकारी अभी अभी मिल पाई है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऊंचाई इतनी ज्यादा है क्योंकि 9 मंजिला ये इमारत और जो लोग फंसे हुए हैं वो सबसे ऊपरी मंजिल पर, जिस तरीके के हम देख पा रहे हैं, तो ऐसे में सीधे जमीन से ऊपर की तरफ वो जो फायर ब्रिगेड के पास सीढ़ियां होती हैं उनसे इस ऊंचाई को नापना मुमकिन नहीं हो पाएगा। इस वजह से अब बराबर में एक दूसरी बिल्डिंग और वहां से सीढ़ी डालकर ये जो लोग फंसे हुए हैं इन्हें निकाला जाएगा, आप ये बता रहे हैं मृत्युंजय? जी बिल्कुल, यही जानकारी मुझे मिल रही है, क्योंकि जो लैडर है वो बगल की बिल्डिंग से ऊपर ले जाया जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि शायद छत को छत से कनेक्ट करके जोड़कर एक रेस्क्यू का काम किया जाएगा और जो ऊपर 40 लोग टेरिस पर इस समय पहुंचे हुए हैं उनको बगल की बिल्डिंग के छत पर लाया जाएगा। तो इस समझ में यही आ रहा है और यही बताया जा रहा है कि ऊपर से भी टेरिस से रेस्क्यू करने का काम किया जाएगा, ये जानकारी अभी भी मिल रही है। साथ ही साथ नीचे ग्राउंड फ्लोर से जो 14 फायर इंजन है और वाटर टैंकर है, 6 वाटर जेट टैंकर लाए गए हैं, इनकी कोशिश से आग पर काबू पाने की कोशिश भी है। और ये कोशिश है कि 5वीं मंजिल से ऊपर तक आग ना पहुंचे। 3 मंजिल पर आग बुरी तरह से फैल चुकी है, बाकी जो ऊपर की मंजिल है उसमें धुआं बहुत ज्यादा है। तो ऐसे पर जो लोग हैं वो ऊपर छत की तरफ भागे हुए हैं और अब कोशिश है कि छत से छत को किसी तरह से जोड़कर सीढ़ी के जरिए या कोई अन्य संसाधन से जोड़कर वो छत से छत पर लोगों के रेस्क्यू किया जाए। ये कोशिश समझ में आ रही है कि फायर ब्रिगेड ये प्रयास करने जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अन्य जो मदद के लिए फायर ब्रिगेड की स्थानीय और भी जो टीमें होती है बगल के इलाके की, वहां उन टीमों को भी बुला लिया गया है। 4 नंबर फायर ब्रिगेड का कॉल डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि कम से कम अधिक से अधिक जिंदगियां जो है वो खतरे में है, रिस्क है, और इसीलिए इसे 4 नंबर का कॉल घोषित किया गया है। 14 गाड़ियां हैं और जो जानकारी है कि 40 लोग छत पर है और बहुत से लोग तो उतर आए थे लेकिन छत पर अभी तक 40 लोग है, ऐसी जानकारी है। ये जो MTNL की बिल्डिंग है, ये 9 मंजिला इमारत बांद्रा में, ये दफ्तर है MTNL का, किस काम में आता है, क्या टेलीफोन एक्सचेंज भी है यहाँ पर, क्या क्या जानकारी मिल पा रही है इस बिल्डिंग के बारे में? बिल्डिंग है ये, पहले बता दें इस परिसर के बारे में, ये बांद्रा वेस्ट में आता है, बांद्रा रिक्लेमेशन का एक खूबसूरत इलाका है, उसी के ठीक बगल में लगकर ये 9 मंजिला MTNL की बिल्डिंग है। यहाँ जो मुंबई के उपनगर के कई हिस्सों के जो MTNL का काम होता है वो इस बिल्डिंग से संचालित होता है। इसी में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी है, साथ ही साथ इसमें अन्य डिपार्टमेंट भी है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी, अकाउंट डिपार्टमेंट भी है। तो कुल कहकर ये उपनगर में जो बांद्रा और आसपास के इलाकों के MTNL से संबंधित जो काम है वो इस इमारत के जरिए संचालित होता है और काफी ज्यादा संख्या में, एक वक्त में बताया जाता है कि सैकड़ों लोग यहाँ पर काम करते हैं, सैकड़ों कर्मचारियों के अलावा जो बाहरी विजिटर्स होते हैं उनकी भी संख्या बहुत अधिक होती है। और जब आग लगी 3:11 के आसपास पहली बार रिपोर्ट की गई धुआं, और उसके बाद अधिकतर लोग तो तुरंत बिल्डिंग से बाहर आ गए लेकिन जो ऊपर के फ्लोर पर फंसे थे जिन्हें जानकारी नहीं मिल पाई वो वहीं फंसे रह गए और उन्होंने छत की तरफ बढ़ने का फैसला किया। जो हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि बहुत 40 से अधिक लोग छत पर मदद के लिए इशारे कर रहे हैं और फिलहाल रुमाल को रखकर या कपड़ों से अपना मुंह ढके हुए हैं और अब उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है, चेहरे से उनके हाव भाव को समझा जा सकता है कि समय उन्हें कहीं ना कहीं खतरा नजर आ रहा है और ऐसी घटनाएं उन्होंने सुनी और देखी होगी, ऐसे पर उनके मन में भी भय है। लेकिन पूरी कोशिश फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कर रहे हैं, चाहे वो बगल की बिल्डिंग से जाकर रेस्क्यू करने का काम हो या फिर चौथी पांचवीं मंजिल पर फैले हुए आग पर काबू पाने का काम हो। ये
कोशिश लगातार जारी है। 14 फायर इंजन की मदद ली जा रही है, पहली बार फायर ब्रिगेड में शामिल किए गए रोबोटिक फायर इंजन की मदद ली जा रही है, 6 वाटर जेट तैनात किए गए हैं, आसपास के अन्य फायर इंजन यूनिट को फायर ब्रिगेड को अलर्ट पर रखा गया है, उनकी मदद ली जा रही है। स्थानीय 3 पुलिस, निर्मल नगर पुलिस, खार स्टेशन पुलिस स्टेशन, बांद्रा पुलिस स्टेशन, इन सभी के पुलिस कर्मियों को भी सतर्क रहने, अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा नजदीक में भाभा हॉस्पिटल है बांद्रा का, उसे अलर्ट रखा गया है, और नीचे एम्बुलेंस का भी एक काफी अच्छी तादाद में संख्या बढ़ा दी गई है। तो तैयारी है, लेकिन सबसे प्रमुखता यही है, प्राथमिकता है कि आग पर काबू पाया जाए और सुरक्षित सभी को दूसरी बिल्डिंग के जरिए उतारा जाए या फिर उन्हें सुरक्षित। मैं आपसे जानना चाहती हूँ मृत्युंजय, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप ये जो बार बार बता रहे हैं कि अब कोशिश ये की जा रही है कि दूसरी बिल्डिंग के जरिए सीढ़ी डालकर इन लोगों को बचाया जा सके, ये देखिए ये खिड़कियों के अंदर भी, मतलब वो छत पर तो लोग हैं ही मौजूद जो हम दिखा रहे थे, इसके अलावा देखिए आप किस तरीके से कुछ लोग जो फंसे हुए हैं अंदर छत पर नहीं पहुंच पाए हैं और खिड़की का शीशा टूटा हुआ देख रहे हैं आप, उन्होंने खिड़की का शीशा तोड़ दिया है क्योंकि अंदर शायद धुआं बहुत ज्यादा भर रहा होगा, सांस लेने में मुश्किल हो रही होगी, और ऐसे में हाथ हिलाकर इशारा करते हुए बताते हुए कि वो भी फंसे हुए हैं ताकि फायर ब्रिगेड जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचे जो दमकल कर्मी हैं और उनकी जान बचाई जा सके। बीच की जो मंजिलें हैं ना, देखिए वहां पर आग लगी हुई है, तीसरी मंजिल पर आग लगनी शुरू हुई थी शॉर्ट सर्किट की वजह से, और देखते ही देखते ये आग ऊपर की मंजिलों की तरफ फैलने लगी, चौथी मंजिल पूरी तरीके से आग की चपेट में आ चुकी है, कहीं पांचवी मंजिल पर भी ये आग ना फैले, इस वक्त डर इसी बात का लगा हुआ है, धुआं जो है अंदर इमारत में वो पूरी तरीके से भर गया है और इसी वजह से इन लोगों ने ये शीशा तोड़ा है बिल्डिंग का, और वो शख्स अपनी जो हाथ है जो उंगली है उसे रुमाल से दबाता हुआ, शायद हाथ से शीशा तोड़ने में खिड़की का चोट भी लग गई हो हाथ में, क्योंकि अंदर घुटन बहुत ज्यादा हो रही होगी ना, सांस लेने में दिक्कत आ रही होगी, इसी वजह से ये शीशा तोड़ा गया है, और साथ ही लोगों को नीचे जो मौजूद हैं उन्हें ये बताया भी जा सके कि कुछ लोग इस तरफ भी फंसे हुए हैं, ये जानकारी देने के लिए भी ये शीशा तोड़ा इन लोगों ने इस इमारत का। तो एक तरफ MTNL बिल्डिंग जिसकी तीसरी चौथी मंजिल पर आग लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं ऊपर की मंजिल पर लोग इंतजार करते हुए कि कब दमकल कर्मी उन तक पहुंचे। मृत्युंजय जो आप बात बता रहे हैं ना कि बराबर में कोई बिल्डिंग उसकी छत के जरिए इन लोगों तक पहुंचा जाए सीढ़ी बनाकर, तो ये तो 9 मंजिला इमारत है, आसपास कोई और इमारत इतनी ऊंची है? जी बिल्कुल है, आसपास में बहुत लगकर तो नहीं है, लेकिन ये जहां पर आग लगी है वो MTNL के पीछे साइड का हिस्सा है, फ्रंट जो हिस्सा होता है वो नहीं है, और बगल की बिल्डिंगें तो है, लेकिन ये संभव कैसे है, क्या इस प्रकार की महारत हासिल है कि इस प्रकार से रेस्क्यू किया जा सके या इस प्रकार के रेस्क्यू के लिए जो लोग फंसे हैं वो तैयार है, इसका अनुमान तो नहीं है, लेकिन नहीं, क्योंकि फासला बहुत ज्यादा लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि इस इमारत से सटी हुई कोई इमारत है, जितनी तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ स्टूडियो में बैठकर, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत नजदीक इस बिल्डिंग के कोई और बिल्डिंग हो जहां से सीढ़ी के जरिए इस तरीके से जोड़कर और दमकल कर्मी वहां से इन लोगों को निकाल कर ला पाए, ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप तो वहीं पर मौके पर मौजूद है, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत नजदीक में कोई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन जो फायर ब्रिगेड का लैडर है वो करीब 40 मंजिल तक जाने के लिए सक्षम है, तो उस लैडर का इस्तेमाल यहाँ पर संभव है। एक पतली गली है जहाँ पर ये लोग आपको छत पर फंसे हुए नजर आएंगे, वहाँ ये लैडर से ये उपयोग किया जा सकता है। हमें जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी बता रहे हैं, उन्होंने जल्दबाजी में कहा कि छत से भी हम रेस्क्यू की कोशिश करेंगे, तो ये जल्दबाजी में उन्होंने ये बात कही कि छत से हम रेस्क्यू की कोशिश करेंगे अपने लैडर से, तो संभवतः वो अपने लैडर की बात कर रहे होंगे, लेकिन दूसरा विकल्प कि वो टेरिस से ही किसी प्रकार से बचाने की कोशिश का ऑप्शन देख रहे हैं। और हालांकि बहुत व्यस्तता और बहुत भागदौड़ नजर आ रही है, पुलिस ने काफी कुछ एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया है कि सिर्फ जो इससे संबंधित लोग हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हो, BMC के या फिर पुलिस कर्मचारी हो, सिर्फ वही घटनास्थल पर रहे और बाकी अन्य जो लोग हैं वो काफी सुरक्षित दूरी पर रहे। आपको बता दें कि इमारत के आसपास काफी भीड़ और जमावड़ा हो गया है और जो सड़क है वो भी काफी ज्यादा जाम हो गई है, तो पुलिस की कोशिश है कि इलाके को खाली रखा जाए और जरूरत हो कि ग्रीन कॉरिडोर बनाने की, यानी तेजी से फायर ब्रिगेड की गाड़ी या एम्बुलेंस को निकालने की, तो उसके लिए भी तमाम तैयारी की गई है और कोशिश है कि छत पे से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। अब ये फायर ब्रिगेड अपने जो लैडर है उसका उपयोग करती है,
या फिर कोई अन्य माध्यम यूज इस्तेमाल करती है वो देखने वाली बात होगी। आग जो है वो चौथी पांचवी मंजिल तक है, तो कोशिश होगी कि आग ना फैले। मैं आ रही हूँ मृत्युंजय आपके पास। हम जरा सा रुक करते हैं दीपेश का, और ये तस्वीरें भी देख लीजिए। फायर ब्रिगेड की लैडर एक उस खिड़की तक पहुंच चुकी है जहां से कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे कैसे लोग झांक रहे थे, राहत के इंतजार में थे, शायद उन तक ये दमकल कर्मी पहुंचे हैं। दीपेश क्या देख पा रहे हैं आप? हेलो जी जी दीपेश, आप मौके पर मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं बताइए, किस तरीके से राहत के काम को अंजाम दिया जा रहा है? हम देख पा रहे हैं दमकल कर्मी उस खिड़की तक पहुंच गए हैं जिस खिड़की से कुछ देर पहले तक लोग हाथ हिला रहे थे, अपनी तरफ ध्यान खींच रहे थे दमकल कर्मियों का कि उन तक पहुंचो, उन्हें बचाओ। जी बिल्कुल, आज दोपहर 1 से 2 बजे के करीब बांद्रा का ये जो काफी रिहायशी इलाका माना जाता है, इस बिल्डिंग में जो MTNL की बिल्डिंग है, जो सरकारी इमारत है, इस बिल्डिंग में 1.5 से 2 बजे के करीब ये जो है ये आग लग गई, और इस आग की वजह को शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। काफी रिहायशी इलाका होने की वजह से और आस पड़ोस में जो बिल्डिंग्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो काफी कम है, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी है उस वक्त 100 कर्मचारी जो है MTNL के वो इस बिल्डिंग में मौजूद थे, और कुछ कर्मचारी नहीं थे। हम लोग अभी आए 5वें से। कैसे निकालो, कितने समय में लीव से? ये क्या अभी निकाल रहे हैं ना सबको, तो फायर ब्रिगेड के लोग वहाँ पर पहुँचे हाँ। थोड़े थोड़े लोगों को निकाल रहे हैं लोग, पूरे कर्मचारी इस वक्त कितने कर्मचारी होते हैं इस बिल्डिंग में? बहुत है, लेकिन हर एक फ्लोर पे अलग अलग है, सब लोग टेरिस पे भागे। आप आधे माला पे 25 लोग था, आधे माला पे शुरू हो गया, आधे माला वाला फुल खाली हो गया, लेकिन हम लोग 5 माले पे मालूम पड़ा, लेकिन हम लोग को बाहर जाने को नहीं मिला, पूरा स्टेयर किस दिख रहा नहीं था। फिर हम लोग सब लोग दरवाजा बंद करके बैठा, क्यों खिड़की भी बंद करके धुआ रहा था। बाद में अभी फायर ब्रिगेड वाला आके हम लोग को एक एक जन को छोड़ा, लेकिन अभी भी 6-7 जन है अंदर। और टेरेस पे कितने? टेरेस पे पूरा 8 माला 9 माला पूरा टेरेस के ऊपर है, लगभग 20 नहीं है, ज्यादा है, 30-40 जन है। अच्छा। हाँ 30 लोग है। कितना टाइम लगा आप लोग को निकालने के? हम लोग को अभी 3। ये जिन महिलाओं को आप सुन रहे थे, दरअसल ये MTNL की कर्मचारी जो इसी MTNL की बिल्डिंग के अंदर फंसी हुई थी, बता रही थी ये 5वीं मंजिल पर फंसी हुई थी, और जो दमकल कर्मी है अब वो अपनी लिफ्ट के जरिए पहुंच रहे हैं खिड़की के जरिए, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर बिठाकर वापस नीचे सुरक्षित लेकर आ रहे हैं।